सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा भगवान के दरबार पे गया। जंगल में उसने मंदिर बनाया था, खूब राजन पूजा करता था खूब श्रद्धा से। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। राजा ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ मांगूं? भगवान ने कहा, बेटा मैं तुझे देने ही आया हूं, तू इतना प्रेम करता है मुझसे, इतनी कठिन तपस्या की कि मैं विवश हो गया तुझे दर्शन देने के लिए, बोल क्या चाहता है। राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा ने कहा, महाराज हे प्रभु, वैसे तो आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, आपसे धन दौलत की कोई चाहत नहीं, संतान की भी कोई चाहत नहीं है, मैं सब कुछ आपने पहले से दिया है, कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक चाहत है। क्या? बोले मेरी प्रजा जो है, एक बार मैं चाहता हूँ कि आपका वो प्रजा भी दर्शन करके वह भी अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। एक प्रार्थना है, आप मेरी समस्त प्रजा को दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले, कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो तो कल ठीक ठीक समय पर लेकर आ जाना, हम आपकी प्रजा को दर्शन देंगे, जो आएंगे उन्हें हम मिलेंगे, जो नहीं आएंगे उनकी गारंटी नहीं। ठीक है। अब राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया, कल समय से तैयार हो जाना, भगवान के दर्शन में चलना है। अब फ्री में भगवान का दर्शन होए तो फिर भगवान का दर्शन कौन नहीं करेगा, फ्री में दर्शन। चलो, सारे बच्चों से लेके बूढ़े तक सवेरे सवेरे सब तैयार हैं, नहा धो करके, और कोई झांझ मजी राढ़ोल सब कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव चल रहे हैं। अब जैसे ही गांव से बाहर निकले, गांव वाले भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तभी रास्ते में भगवान ने माया रच दी। भगवान ने ऐसी माया रची के पैसों का ढेर लग गया। अब गांव वाले पैसा देख के पागल चढ़ गए ढेर के ऊपर। राजा समझा रहे, सुनो भगवान आगे हैं, बस मिल जाएंगे, उनको पालोगे तो ये ढेर वेर तो सब पीछे पीछे चलेंगे। गांव वाले बोले, महाराज बड़ा कर्जा था, अब हमें यहीं रहने दो, हम चलो आप लोग, हम पहुंच रहे हैं, जरा ये पैक करके घर रखाएं। अच्छा अच्छा भगवान को थोड़ा रोक के रखिएगा, हम अभी आ रहे। उतरे ही नहीं पैसों के, सब समेटने लगे, सारे कपड़े उतार उतार के भर रहे हैं, उसमें पोटरी बना बना के ढो रहे हैं घर की तरफ। राजा समझाए पर कुछ समझ में आए, कुछ समझ गए। कुछ लोग बोले, नाना हम तो भगवान का दर्शन करने आए। कुछ समझदार थे, 5% लोग उतर गए, 95% यहीं रह गए, सब पैसों के लालची थे, चढ़े हैं ढेर पर, 5% उतर गए। नाना भगवान के लिए आए हैं, भगवान को पाएंगे। अब 5% लोग चले, मतलब 100 में से 5 लोग चले। अब चले आगे, चले तो चांदी का ढेर। अब वो 5% वाली सोची, अरे राम 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 राम, ये मिल जाए तो काम बन जाए। हाँ वो चढ़ गए, राजा ने फिर समझाया, आजा आजा आजा, चांदी में कहाँ उलझ रहा। तो वो 5% में सबके सब चांदी पर चढ़ गए, पर राजा ने समझाया तो 2% उतर के आ गए, 3 अभी चांदी में उलझे पड़े हैं। चलो भैया अब तुम ही चलो भगवान तक, कुछ तो चलें। अब ये चले कुछ लोग आगे, सोने का ढेर। और जब सोने का ढेर आया तो जो 2% बचे वो चढ़ गए। और अब राजा ने लाख समझाया, भगवान 10 कदम पे हैं, चलो जरा, पर वो क्यों उतरे? वो सोने को देखकर मस्त थे, बोले हम तो जीवन सफल हो जाएगा हमारा इस धन को पाकर, उतरे ही नहीं। समय हो गया, राजा चल पड़े रानी को लेकर, अब अकेली रानी चली। और जब आगे चले तो हीरों का ढेर, ऐसे हीरे की रानी ने कभी देखा नहीं, रानी भी चढ़ गई। राजा ने समझाया, भाग्यवान तू तो तरा, तू तो दर्शन कर ले भगवान का। बोले ना ऐसे हीरे मोती नहीं है वहां, इसका बढ़िया हार बनेगा मेरे लिए। अरे बोले भगवान को बोलना कल आए, कल दर्शन होगा। अब वो उतरी नहीं, उस समय हो रहा, अब राजा गए।
अब राजा गए, आए भगवान खड़े थे, क्यों? आपने तो कहा था सारी प्रजा को लाएंगे और आप तो अकेले ही आ गए। राजा रोता हुआ बोला, प्रभु आए तो सब ही थे आपके लिए, पर सब की सब रास्ते में उलझते चले गए, कोई पैसों में, कोई चांदी में, कोई सोने में, कोई हीरे में, हीरा मोती सोना चांदी पैसा इसमें ही सब उलझ गए। अरे यहां से निकलें, यहां से आगे बढ़ें तो भगवान तक पहुंचे, जब यहां से निकलते ही नहीं तो भगवान मिलते नहीं। हम और आप ही वो लोग हैं, आप और हम ही वो लोग हैं जो भगवान के लिए चले थे, पर सब पैसों में उलझे पड़े हैं, हीरे मोती में उलझे पड़े हैं। जरा आप ही बताओ, क्या आप और हम क्या सोना और चांदी और हीरा और मोती और पैसों के ढेर पर नहीं चढ़े? बताओ, हम ही तो वो लोग हैं अभागे जो पैसों के पीछे भगवान को छोड़े बैठे हैं। हम ही तो वो लोग हैं जो पैसों सोना चांदी के पीछे हमने भगवान को भुला दिया, नाम भी नहीं जपते। महाराज दिन भर दुकान चलाते हैं, दिन भर दुकान में बैठते हैं, अरे बैठे बैठे ही नाम लेते रहो भगवान का, नहीं नहीं काम काम पैसा पैसा। ए भाई ये तुम्हारे 25 पैसे तुमने कम दिए यार, 25 पैसे दो, लाओ 25 पैसे। लाखों की संपत्ति जुड़ी पड़ी है फिर भी 25-25 पैसे के लिए लोग रो रहे हैं। इनसे पूछो कि तुम सारी जिंदगी यही करोगे, पैसों के ढेर पर ही बैठोगे? तो यहां से तुम उतरो तो भगवान तक पहुंचो। आदमी उतरता नहीं और भगवान मिलते नहीं, और लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते। अरे जिन जिन ने अपने आप को सोना चांदी से उतारा है उन सबको भगवान मिले। तुम इस ढेर से जिस दिन उतर जाओगे ना भक्तों, उसी दिन, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन तुम्हें भगवान मिलेंगे। पर एक बार कह दो अंदर से कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं और मैं उतर के आ गया हूं, बिल्कुल त्याग दो अंदर से, रहो सबके बीच में। अरे सोने के ढेर में ही बैठे रहो आप, पर उसके प्रति कोई आसक्ति और ममता ना हो, यही त्याग है। हम ये नहीं कहते कि तुम सब छोड़ के जंगल चले जाओ, हम ये कहते हैं सबके बीच में रहो, पर सबके बीच में रहकर भी सबसे अलग रहो। उस वस्तु से मोह ना हो, उस वस्तु से लगाव ना हो। आपके घर में खूब सोना चांदी हो पर उसके प्रति आसक्ति ना हो, लगाव ना हो, लगाव भगवान से हो। क्या तुम कंकड़ पत्थर जोड़ रहे हो, क्या होगा इससे, सब धरा रह जाएगा। जिनके तिजोरियों में सोना सजा था वो सब मर गए, हाँ कफन में जेब ही तो नहीं होता, चाहो तो आप बनवा सकते हो, इतना जोड़े हैं अब कहाँ जाएगा, तो ले जाना बांध के। इसलिए मीराबाई गाती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पागलो राम नाम का धन समेट लो, क्या समेट रहे हो। इसलिए समय निकाला करो अपने लिए, भगवान का चिंतन किया करो, आधा घंटा एक घंटा आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया करो। हे नाथ आप ही हमारी माता हो, हे श्याम सुंदर आप ही हमारे पिता हो, हे श्याम सुंदर इस संसार में जो आपकी माया है इसने हमें बड़ा जकड़ लिया है, हे नाथ आप ही हमें इस माया से बचाओ। हे नाथ आपकी माया हमें परेशान कर रही है, आप हमें इस माया से बचाओ। आज हम बूढ़ों को देखते हैं बड़ा उलझे पड़े हैं, पैसों के लिए मर रहे हैं, रो रहे हैं, इनकी क्या दुर्गति होगी इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा। हम बिल्कुल ये कहना नहीं चाहते कि तुम पैसे ना कमाओ, हम तो खूब कहते हैं कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, पैसा बहुत कमाओ मेरी माँ, बहुत जरूरत से ज्यादा कमाओ, खूब सफल बनो, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी इज्जत हो, तुम्हारे पास लाखों नहीं भगवान करें आप सबके पास करोड़ों की संपत्ति हो, सब कुछ हो,
पर सब कुछ होते हुए भी भाव यही बना रहे कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये मेरा नहीं है। हो सब कुछ पर उसके प्रति अटैचमेंट ना हो। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि तुम काम धाम छोड़ दो, ना अकर्मण्य होके ना बैठ जाना, नहीं तो पाप लगेगा। काम करना, पैसे बहुत कमाना, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को धन से संतुष्ट करना। जो पुत्र चाहता है उसे दो, जो पत्नी चाहती है उसे दो, जो माँ चाहती है उसे दो, जो पिता चाहता उसे दो, दो। खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, समाज आपका कहे वाह कितना पैसा कमाया इस व्यक्ति ने, ईमानदारी से, पाप से नहीं। समाज की सेवा करो उस पैसे से, उस पैसे से खूब सेवा करो, और सब कुछ करते हुए भी अपने आप को बिल्कुल अलग रखो उन सब चीजों से। आपके पास मखवल का गद्दा हो और 50,000 और 1,00,000 का बेड हो, पर आपका भाव यही हो कि हम जमीन में सोकर ही भगवान का चिंतन हो, सब कुछ पर भाव जमीन में सोने का हो, ये आपकी महानता। आपके पास सोने की थाली हो खाने के लिए, फिर भी आप पत्तल में खा रहे हैं, ये आपकी महानता है। इतने महान बनो कि सोने की थाली आपके घर में ऑलरेडी है, सोने की कटोरियों में आप साग सब्जी खाते हैं, पर फिर भी आप अपनी इच्छा से पत्तलों में खाएं कि साहब यही सत्य है, ये सब सत्य नहीं है। हो भगवान करे आप सब सोने की थालियों में खाओ, पर उसके प्रति आसक्त ना हो जाना। नहीं साहब अब हम खाएंगे ही नहीं, सोने की थाली लाओ तब खाएंगे, लो अब ये बात गलत है। अब ससुराल कोई जाए और घर में खाए सोने की थाली में, और ससुराल जाए और कहे ससुर से सुनो खाएंगे तब जब सोने की, ससुर तो बेचारा परेशान हो जाएगा। अच्छा है कि आप सोने की थाली में खाएं, पर उसके प्रति इतना लगाव ना हो जाए कि अब आप उसके बिना रहे ना। भगवान करे आपकी पत्नी और पति हो, बेटा और बेटी हो, पर उसके प्रति इतना लगाव ना हो कि अब बेटा नहीं है तो अब लगे रोने, बेटा बेटा, लो रोते रोते मर गए, ये कोई सिद्धांत नहीं है। सब कुछ हो भगवान की कृपा से आपके घर, पर सब कुछ होते हुए भी आपका मन केवल भगवान के चरणों में लगे, केवल हम ये कहना चाह रहे हैं। सारी बातों का सार तत्व यही है बस।